नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं सीएनडीसी भाई नंदन। दोस्तों अभी हमारी जो बैच चल रही है स्टेबलाइजर वाली, ये बैच अब लगभग स्टेबलाइजर अब इसमें खत्म होने वाली है। बैटरी चार्जर की कुछ चीजें हैं जो बची हुई है, वायरगेज कैलकुलेशन वगैरह बची हुई है। तो लास्टली फाइनल में इन लोगों ने एक बड़े साइज का ट्रांसफार्मर बनाया है। बेसिकली ये 5 किलोवाट का साइज तो है, लेकिन ये 5 किलोवाट नहीं, उससे थोड़ा सा कम है। लेकिन एक बड़े साइज का ट्रांसफार्मर जब आप अपने हाथ से बनाते हैं तो आपको वाइंडिंग से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है वो आपकी हो जाती है दूर। बेसिकली कनेक्शन एडजस्ट करना ये सब कुछ तो बहुत इजी कंसेप्ट है, ये सब का सब पहले ही क्लियर हो चुका रहता है। लेकिन एक मोटे तार के साथ बड़े बॉबिन के साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो करने के बाद ही आपको मिलती है। तो फाइनली आप लोग ये ट्रांसफार्मर बनाए, कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास इसको वाइंड करने के लिए कोई बड़े साइज का वाइंडिंग मशीन नहीं है। हालांकि हमारे हमारे दुकान पे इस तरह का सेटअप है कि 1x1 अगर आप मोटे वायर की वाइंड कर रहे हैं तो एक बार में एक टर्न दे करके बना सकते हैं। लेकिन हमने अपने इंस्टीट्यूट में उस चीज को नहीं रखा है, वो इसलिए कि यहाँ पर सारे के सारे बिगिनर आते हैं और बिगिनर के पास कोई मशीन नहीं होती है, यह हमें पता है। तो पहले वो नॉर्मली अपने हाथ से जब इस तरह की ट्रांसफार्मर को लपेट लेते हैं, जब ये सब अपने अपने घर जाएंगे और जब इस तरह के ट्रांसफार्मर को अपने हाथ से बनाकर सेल आउट करेंगे और जब इनकी डिमांड अच्छी खासी हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक स्विच कर लेंगे अपने वाइंडिंग मशीन के लिए। लेकिन जब तक नहीं है तब तक बेसिकली इनको अपने हाथ से ही इसकी वाइंडिंग करनी होगी, चाहे 1x1 का कोई टर्न का कोई भी आप एक अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर बॉबिन डाल दिया, फर्मा डाल दिया, एक हैंडल लगा के एक रॉड में आप उसको सिंगल टर्न वाला बना सकते हैं और इस तरह से थोड़ा सा टाइम आपका बचेगा और उसको आप ठोक भी सकते हैं, ठीक है ना। और मोटे तार को 1x1 एक बार में एक टर्न ही हो तो वही तभी वो बेटर होता है। अगर एक बार में ज्यादा टर्न हो तो मोटे वायर को लपेटने में काफी दिक्कत आती है ना। आप एक बार उसको घुमाएंगे, अगर ये 2 टर्न लेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको, आप प्रॉपर एक एक वायर को बैठा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने आप लोगों को बताई। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बॉक्स के अंदर जो नंबर है आप हमसे पूछ सकते हैं। बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज किसी टेक्निकल सपोर्ट के लिए उस नंबर के ऊपर कॉल मत कीजिएगा। ऑनली ऑल वो इंस्टीट्यूट से रिगार्डिंग जो भी आपकी इंक्वायरी है, इसके लिए आप कुछ भी जानकारी अगर आपको इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना आप लोगों का खूब ख्याल रखिए।